क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में हम बात कर रहे थे रिसर्च की सो नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन एंड अडाप्टन ऑफ स्केल्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट अक्रॉस कल्चर एज़ यू नो हर कल्चर में कुछ मकसद के लिए टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल याद आ रही हो कॉलेज स्कूल के एंट्री टेस्ट जॉब इंटरव्यू से पहले सेलेक्शन के टेस्ट मुख्तलफ़ गमेंट इदारों में दाखिल होने के लिए आर्मी नेवी डिफरेंट सर्विसज़ डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो पोस्ट होती हैं, उसका कोई ना कोई एंट्री टेस्ट जिसमें आपके लिए जनरल नॉलेज भी होता है कुछ ज़बान के भी होते हैं कुछ आपके स्पेसिफिक चीज़ों के भी होते हैं तो ये हर हर मुल्क में मुख्तलि तरीक़ों से टेस्ट इस्तेमाल होते हैं अब सवाल ये कि हमने अपने टेस्ट बनाने या दूसरे कल्चर से लें तो उसके लिए ट्रांसलेट करना और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है अडाप्टेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है और बड़ी रिगरस मेथोडोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है बहुत चान बीन देहान और सख्त स्टैंडर्ड्स के साथ आपको एक रिलायबल और वैलिड मेजर जो है वो इस्तेमाल करना होता है एक ही इंस्ट्रूमेंट के मल्टी लिंगुअल वर्जनस जो हैं वो अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं तो क्योंकि उससे बहुत आसानी होती है कि आपको पता है कि एक वैलिड टेस्ट था कैनेडा में डेवलप हुआ अमेरिका के स्टूडेंट्स इसमें शामिल थे लेकिन इसमें पाकिस्तान का सैम्पल कोई नहीं था तो हम इसको पहले अपने मुल्क में कर लेते हैं ट्रांसलेशन करके और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं ये प्रोसेस काफ़ी महंगा और लंबा होता है इसलिए कई दफ़ा हम उनको आ, अगर इंग्लिश जानने वाले आपके लोग हैं तो फिर आपको बग़ैर ट्रांसलेशन और एडाप्टशन के यूज़ करें अब उसमें कुछ बातें हैं कि आपके जैसा मैंने कहा सिर्फ लफ्ज़ी को नहीं देखना बल्कि उसके अंदर जो एक टुपी हुई बात है वो किस कॉन्टेक्ट में हो रही है उसको भी देखना है नई लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए उसका वैलिड होना है और हम ये कंस्ट्रक्ट और इक्विवेलेंस की बात पहले कर चुके हैं इक्विवेलेंस या ना होना इक्विवेलेंस का जो है मल्टीलिंगुअल जो टेस्ट हैं ए की टेस्ट के जो मल्टीलिंगुअल वर्जन है वो साबित करना ज़रूरी होता है वो होना या ना होना उसका अहम है फिर बहुत से इसमें पेचीदा सवाल है नंबर वन क्या कोई तस्वुर नज़रिया या कंस्ट्रक्ट किसी कल्चर में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं ठीक है बहुत से करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे तस्वूर होंगे जो किसी कल्चर में उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं होगा इसका मतलब है कि उस कल्चर में उस चीज़ का तस्वुर नहीं अच्छा अगर वो है भी तो क्या उसके लिए जो लफ्ज हैं वो दोनों कल्चर में एक ही तरह इजहार किया जाता है उस कंस्ट्रक्ट का मैंने एक मिसाल दी थी कि किसी मेक्सिको के बर्फ़ानी इलाके नहीं हैं तो वहाँ से कोई शख्स जो है वो स्कीमोस के इलाके में रिसर्च करने गया तो उसने वहाँ पे कहा कि अगर कोई तुम्हारी चीज़ उठा के ले जाए बग़ैर पूछे तो तुम क्या करोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आई उसने कई तरीकों से बताने की कोशिश की कि वो गुस्सा जानना चाह रहे कि गुस्सा कैसे आएगा तो फिर उसने वो एक्शन करके दिखाया उछल के और शक्ल बना के तो वो स्कीमो जो था वो हंस पड़ा उसने जो वर्ड बोला उसका लफ्ती मतलब था बचकाना यानी चाइल्डिश तो उसने कहा कि ये करने को हमारे यहाँ जो लफ्ज़ है वो बचगानापन है तो अब ये बहुत डिफरेंट बात थी अमेरिकन या कुछ और ममालिक के कल्चर से कि एंगर के लिए उनके पास लफ नहीं था और ये इतनी बड़ी सोशोलॉजिकल स्टडी है जो बार बार किताबों में बयान होती है आखिरी इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चंस जो है वो अगर आपने देख लिया कि वो कंस्ट्रक्ट है उसका एक्सप्रेशन भी पता चल गया तो क्या जो मल्टीलिंगुअल वर्जन है एक ही कंस्ट्रक्ट के बारे में उनके जो क्वेश्चन है जो आपने दिए हुए हैं और जो किसी दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट होने के बाद हुए हैं क्या वो क्वेश्चन भी पैरल हैं कि नहीं तो इसका तरीक़ा ये किया गया है और ये ब्रिजलिन ने इंट्रोड्यूस किया था नाइनटीन एटी में कि पहले आप ट्रांसलेशन करते हैं फिर आप उसको जैसे इंग्लिश से उर्दू में की उसके बाद किसी को देते हैं वो उस उर्दू को दोबारा इंग्लिश में करते हैं इसको ट्रांसलेशन एंड बैक ट्रांसलेशन कहते हैं फिर आप ओरिजिनल उसकी उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू से दोबारा में इंग्लिश ट्रांसलेशन तीनों को कंपेयर करते हैं उसमें कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हैं वो उन सेंटेंसेस को इम्प्रूव करते हैं ये भी हो सकता है कि जब आपने इंग्लिश से उर्दू में की उसका मतलब बदला जब उर्दू से दोबारा इंग्लिश में की तो जिसने उर्दू से इंग्लिश में किया है उसको कुछ और ही समझ आया तो उसने इंग्लिश में की तो मतलब कुछ और ही हो गया इसकी बड़ी दिलचस्प एग्ज़ाम्पल हमारे सामने कई दफ़ा आ जाती हैं तो इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर उसको देखता है थर्ड पर्सन अगर दोनों में जो ओरिजिनल है और जो बैक ट्रांसलेशन है बहुत क्लोज ममासिलत और सिमिलरिटी है तो फिर इसका मतलब है कि आपने एक अच्छा तर्जमा किया है